दोस्तों, व्हाट्सएप जब से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के आया है, लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं अपने प्राइवेट डेटा को लेकर के। और इसके चलते दोस्तों, कई लोग जो हैं वो टेलीग्राम या फिर सिग्नल जैसी एप्लीकेशन पे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन यूज़र्स की जिनका बहुत सारा प्राइवेट डेटा व्हाट्सएप के ऊपर ऑलरेडी है। कहीं ना कहीं उनके पास मजबूरी है दोस्तों, वो WhatsApp को छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के लिए जो स्टिल WhatsApp पर हैं और WhatsApp को वो यूज़ करते रहना चाहते हैं आगे भी, तो उनके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी स्टेप्स बताने वाला हूँ, जिनको यूज़ करने के बाद में दोस्तों आपका जो WhatsApp अकाउंट है वो काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाएगा। और वैसे भी दोस्तों, अगर आप नॉर्मली WhatsApp यूज़ करते हैं तो भी अगर आप इन फीचर्स को अप्लाई नहीं करते तो आपके WhatsApp के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्क है आपके डाटा को लीक होने का, आपके WhatsApp को हैक होने का। तो दोस्तों, इन सिक्योरिटी स्टेप्स को अप्लाई करके आप अपने WhatsApp को सिक्योर एंड सेफ बना सकते हैं। मेरा नाम है दीपक पांडे, आप देख रहे हैं टेक जाइंट यूट्यूब चैनल, और इस चैनल पर हम ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो WhatsApp जो है स्टिल एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। एंड टू एंड इनक्रिप्शन में दोस्तों हमारी सिर्फ चैट्स इनक्रिप्टेड होती हैं, जो मीडिया हमने किसी को सेंड किया है, कोई इमेज सेंड की है, वीडियो सेंड की है, ये डेटा जो है दोस्तों ये एंड टू एंड इनक्रिप्शन के अंदर नहीं आता है। नया अकाउंट भी बनाते हैं तो आप अपना नंबर वहाँ पे शेयर कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल फोन की डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, आप कौन सी लोकेशन पर हैं, आप ये सारा डेटा स्टिल दोस्तों शेयर कर रहे हैं WhatsApp के साथ में। और दोस्तों, ये इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, बिकॉज जब भी आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो WhatsApp हो चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, उस पर साइन इन करने के लिए आप ये सारी इन्फॉर्मेशन उस एप्लीकेशन के साथ में शेयर करते ही हैं। तो दोस्तों, इस डेटा की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, स्टिल मैं बात कर रहा हूँ अगर आपको अपने WhatsApp को सिक्योर करना है तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना है WhatsApp को यूज़ करते हुए। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ चार ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में जिनको अप्लाई करने के बाद में आपका WhatsApp काफ़ी हद तक सेफ हो जाएगा, और ये सेटिंग्स आपको अपने WhatsApp के अंदर करनी ही चाहिए। तो पहली सेटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो पहली सेटिंग है दोस्तों टू स्टेप वेरिफिकेशन। बहुत सारे लोग इसको ऑन करके नहीं रखते हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों उनका WhatsApp कभी ना कभी हैक हो जाता है या उनकी चैट्स लीक होने लगती हैं। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करने के लिए दोस्तों आपको अपने WhatsApp की सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है अकाउंट्स के अंदर, और अकाउंट्स के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो मिलेगा वो मिलेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पर बॉटम में आपको दोस्तों इनेबल पे टैप करना है। इसके बाद ये आपसे 6 डिजिट का कोड मांगेगा, ये दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको कन्फर्म करना है इसी पिन को, और पिन को कन्फर्म करने के बाद में आपको अपनी मेल आईडी यहाँ पर डालनी है, ताकि दोस्तों अगर कभी आप अपना पिन भूल जाएं तो ये इसी मेल आईडी पे आपको पिन रीसेट करने का लिंक सेंड कर देगा। तो यहाँ पर दोस्तों फिर दोबारा से कंफर्म कर देंगे इसी ईमेल को, और आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है दोस्तों ये इनेबल हो चुका है। दोस्तों, सेकंड इम्पॉर्टेंट सेटिंग आपको करनी है कि अगर आपके WhatsApp के अंदर मीडिया ऑटोमेटिक डाउनलोड हो रहा है, तो मीडिया को दोस्तों डाउनलोड करने के लिए आपको WhatsApp को अपने स्टोरेज की परमिशन देनी पड़ेगी। और अगर आप स्टोरेज को रीड करने की परमिशन दे रहे हैं तो आपके स्टोरेज के अंदर जो भी डेटा है दोस्तों वो WhatsApp रीड कर सकता है। इनफैक्ट अगर आपका WhatsApp हैक हुआ तो जो WhatsApp के थ्रू जो भी आपके WhatsApp को हैक कर रहा है वो आपका स्टोरेज भी दोस्तों रीड कर सकता है, और स्टोरेज में से आपके कुछ भी लीक कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपको मीडिया को ऑटोमेटिक डाउनलोड पे नहीं रखना है। जब आपको जरूरत है, जिस मीडिया की जरूरत है, उसको मैन्युअली टैप करके आप डाउनलोड कर लें। फिलहाल दोस्तों, इस सेटिंग को अगर आपने ऑन करके रखा है तो डिसेबल करने के लिए आपको अपने WhatsApp की सेटिंग में जाना है, फिर यहां पर मीडिया एंड स्टोरेज वाले ऑप्शन में जाना है, और यहां बॉटम में आपको दिख जाएगा दोस्तों When using mobile data, when connected on Wi-Fi और when roaming। तो यहाँ पर तीनों में आपको no media select करके रखना है दोस्तों। चार के चारों options को यहाँ पर अनचेक करना है आपको। ऐसा करने से दोस्तों WhatsApp automatically आपके storage के अंदर कुछ भी download नहीं कर पाएगा बिना आपकी परमिशन के। और जब भी आपको कोई भी मीडिया डाउनलोड करना है तो आप उसको मैनुअली टैप करके भी डाउनलोड कर सकते हैं।
थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों इसी से जुड़ी हुई है कि व्हाट्सएप के ऊपर आपको किसी भी अननोन लिंक के ऊपर टैप नहीं करना है, बिकॉज अननोन लिंक्स कैन लीड यू टू दी मलिशियस वेबसाइट और मालवेयर कंटेनिंग वेबसाइट, जहां पर दोस्तों आप जैसे ही रिडायरेक्ट होते हैं वो वेबसाइट सीधा आपके व्हाट्सएप के थ्रू आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारे प्लगइन सिमुलेटर्स डाउनलोड करके आपके पूरे डिवाइस को हैक कर सकता है। तो आपको कभी भी अपने व्हाट्सएप के अंदर किसी भी अननोन लिंक के ऊपर टैप नहीं करना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं आज की फोर्थ और फाइनल सेटिंग के बारे में। तो फाइनल सेटिंग दोस्तों ये है कि अगर आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर ऑटोमेटिकली चैट बैकअप को ऑन करके रखते हैं तो इसे भी आपको डिसेबल करके रखना है दोस्तों, बिकॉज व्हाट्सएप मैनुअली डेली आपकी चैट को बैकअप करके फ़ोन के अंदर सेव कर देता है, और वो चैट का जो बैकअप होता है दोस्तों वो KBs में होता है, और KB की फाइल्स है ना वो एक सेकेंड में ट्रांसफ़र हो सकती है, और उस एक सेकेंड में दोस्तों आपकी महीनों और सालों की चैट्स लीक हो सकती है किसी और के साथ में। तो आपको ऑटोमेटिकली बैकअप को दोस्तों डिसेबल करके रखना चाहिए, और जब भी आप अपना डिवाइस चेंज कर रहे हैं या व्हाट्सएप चेंज कर रहे हैं तब आप अपने व्हाट्सएप का बैकअप लें, और बैकअप लेने के बाद में दोस्तों उसको डायरेक्टली आप दूसरे फोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।